हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें यह फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तीनों एक जैसे होंगे इसलिए मैंने तीनों को साथ में लिख लिया, हम लोग पहले को कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैटर है ये हमारे इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेकंड का। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बेटा, आप विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हो और मान लेते हैं कि ये 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर हम इसको 1/b या p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जहां ये लिखा हुआ है, जहां a तथा b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है तो चूंकि b/a आपका हो जाएगा कर्णी 2/a, मतलब कर्णी 2 हो जाएगा, एक तरीके से कर्णी 2 हो गया, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। भाई पूर्णांकों का अनुपात तो परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप ऐसा लिखोगे कि कर्णी 2 बराबर, ये परिमेय तो कर्णी 2 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। आप क्या लिखोगे, कर्णी 2 बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर कर्णी 2 परिमेय संख्या है, जैसे कि अब हम नीचे आ जाते हैं इस मैटर को समझ लो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पुराने क्वेश्चंस का मैटर है, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो कर्णी 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये यहाँ पे बोल दिया, कैसे बोल दिया एक बार फिर से बताता हूँ। a/b था, हमने उसको b/a किया, a और b तो पूर्णांक है, पूर्णांकों का अनुपात परिमेय होता है, तो ये परिमेय हो गया। तो कर्णी 2 आप बोल रहे हो परिमेय है। अगर कर्णी 2 परिमेय बोल रहे हो तो तुमको परिमेय थोड़ी लेके आना, तुमको अपरिमेय लेके आना है, ठीक है। तुम बोल रहे हो परिमेय है, परिमेय है, तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ये अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय है मतलब अपरिमेय नहीं है। भाई परिमेय है तो क्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है, इस बात का ही तो विरोध हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस बात का विरोधाभास हो गया तो हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण। अगर हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका मैटर जो भी था 1/2 वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। आई थिंक बच्चा लोग, आपको अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का वीडियो देखा है तो ये थर्ड बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें हम क्या चेंज करेंगे, 1/2 की जगह आ जाएगा 7/5। तो हम यहां पर ले लेंगे कि 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलो इस मैटर को मैं यहां पर मिटा देता हूं और लिखते हैं कि 7/5 को हम मान लेंगे a/b। तो ये 5/5 को अकेला छोड़ देंगे, यहां पर 5/5 हो जाएगा a/7b, ठीक है। अब यहां पर वही लिखेंगे हम, क्या, चूंकि a b तथा 7 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या हो जाएगा। a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो इनका अनुपात एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो 5/5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 5/5 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर तुम परिमेय बोल रहे हो तो किस बात का विरोध कर रहे हो, क्या परिमेय का विरोध कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, इससे सत्य का विरोधाभास होता है कि 5/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 5/5 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोध हो गया, तो फिर आप तो यहाँ पे बोल दोगे कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अगर आपकी कल्पना ही त्रुटिपूर्ण है, आपने गलत माना है कि ये परिमेय है, तो फिर ये परिमेय नहीं होगा, 7/5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। आई थिंक बच्चा लोग आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन 6+2 के लिए भी है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है तीसरा, क्या है, 6+2, सिद्ध कीजिए कि 6+2 एक परिमेय संख्या। आपने लिख लिया विरोधाभास विधि से, फिर लिखा विपरीत, माना कि क्या माना आपने कि 6+2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है 6+2, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हमने a/b के रूप में लिखा बेटा, तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि हमको 2 का मान निकालना है। 2 का मान आएगा आपका a/b-6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। 2 बराबर ये हो जाएगा a^a-6b/b, चूंकि a b तथा 6 पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a-6b/b एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर बेटा ये RHS परिमेय संख्या है,
तो फिर LHS भी परिमेय संख्या, उस हिसाब से क्या लिखोगे कि कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये परिमेय हो गया तो इसके बराबर लिखोगे परिमेय, तो कर्णी दो क्या हो जाएगा परिमेय। अगर ये परिमेय तो किस बात का विरोध कर रहे हो कि परिमेय है, तो क्या लिखोगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि भाई आपका जो कर्णी दो है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। आप बोल क्या रहे हो परिमेय बोल रहे हो, तो किस बात का विरोध कर रहे हो अपरिमेय का, तो वही तो लिखा मैंने, इससे इस बात का विरोध होता है कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। अगर अब विरोध हो गया तो फिर आपकी कल्पना त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, आपने क्या माना था कि ये परिमेय है, तो ये परिमेय थोड़ी है भाई, ये क्या है अपरिमेय। ठीक है, इससे तथ्य का इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था बच्चा लोग, आई थिंक ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन थर्ड में थे आपको तीनों समझ में आ चुके होंगे, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को बेटा यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस टाइप से वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।